करता है जो आपको सारी जनता एक बार याद करे जी। सबसे पहले तो मैं दो लाइनें उस नालायक सपना के लिए कहता हूँ कि उस नालायक सपना ने कहा था कि हजारों साल से हम लोग राज के भागीदार रहे, हम लोग राजा थे यहाँ के, लेकिन चंद चालाक मनुवादियों ने आकर के हमें गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन उस सपना ने इतिहास तो पढ़ा नहीं, उसने कहा कि पढ़ लिख कर श्याणी होगी बावड़ी जात चमारों की और गदी बेच कर खचरी ले ली होगी मौज कुम्हारों की। तो उस नालायक सपना को मैंने गाने के माध्यम से जवाब देने का काम किया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बिन सोचे समझे सपना तू तो ज्यादा खोलगी, अरे दो पैसा की नचने वाली अरे हद से ज्यादा बोलगी, तू दो पैसे की नचने वाली अरे हद से ज्यादा बोलगी। और हम क्या हैं ये सपना को मैं बताना चाहता हूँ, और उससे जो जो उसके शुभ चिंतक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी हम हैं राजा हड़प्पा के अवशेष बतावे, एकलव से धनुधारी है हम छल करके गुठे कटवावे, और उद्यम जैसे वीर हैं हम जो जर्नल डायर मार गिरावे, और फायन भी हम हिटलर भी हम दुनिया में जो नाम कमावे, और ओबामा भी दलित का बेटा ये चंद्रशेखर दलित का बेटा ये कंसी राम दलित का बेटा ये मायावती दलित की बेटी, अरे जिनकी तूती बोलती दो पैसे की नाचन आड़ी अरे हद से ज्यादा बोलगी, तू तो दो पैसे की नाचन आड़ी हद से ज्यादा बोलगी। और दो लाइन उस नालायक के लिए कि इतिहास पढ़े न बावड़ी तेरा पैसा मैं क्यों ध्यान से, इतिहास पढ़े न बावड़ी तेरा पैसा मैं क्यों ध्यान से, बिन सोचे समझे बोले जा तेरा माइंड यो शैतान से, तू तो भीम राव की रे पूजा कर ले यो है ते भगवान से, न ते पैर की जूती होया कर थी आज चारों तरफ सम्मान है, जब बाबा साहब न होते थे जब अंडी चमार न होते थे तू मंचो पर न बोलती दो पैसे की नाचन आड़ी अरे हद से ज्यादा बोलेगी। और ये लाइन उस समाज के लिए जो समाज खाता बाबा साहब का है और गुर्राता कहीं और है, कैसे, और बाबा साहब की दया से यारो हमने सब कुछ पाया है, और वो मूर्ख नादान जिसकी नहीं समझ में आया है, और उसका जीवन सफल होया जिसने भीम राव को चाहा है, और उसकी ऐसी की तैसी जिन्हें बावली जात बताए।